साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है अम्बाला वायुसेना स्टेशन, ताम्बरम वायुसेना स्टेशन, हिंडन वायुसेना स्टेशन या जोधपुर वायुसेना स्टेशन। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ताम्बरम वायुसेना स्टेशन। भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के पास ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर मनाया गया। आगे देखते हैं, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? ऑप्शन है कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बहुमत हासिल किया और 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी। आगे देखते हैं, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है एलन मस्क और बिल गेट्स ने, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने, स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन ने या एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बैबेज। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन ने मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले अपने अग्रणी काम के लिए भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं, 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की? तो ऑप्शन है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है। आगे देख लेते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुवकुन, या फिर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरोल ग्रीडर, या पॉल नर्स और टिम हंट। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुवकुन। 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, एम राजेश्वर राव, बिरल आचार्य या उर्जितार पटेल। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, एम राजेश्वर राव को। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में श्री एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं, 2024 आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है इटली, नॉर्वे, भारत, जर्मनी। तो इसमें भारत यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेरू के लीमा में 2024 आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुल 24 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहे, 13 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य। आगे देख लेते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे कब से डिजिटल फसल सर्वेक्षण करें? तो ऑप्शन है जनवरी 2024, अप्रैल 2024 या जुलाई 2024 या फिर सितंबर 2024। तो इसमें आपका जो सही है वो आपका जुलाई 2024। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुलाई 2024 से डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली अपनाने का आग्रह किया है। तो आगे देखते हैं, रामपुर हाउंड, हिमाचली शेफर्ड, गद्दी बकरवाल और तिब्बती मास्टिफ किस जानवर की नस्लें हैं? ऑप्शन है भेड़, कुत्ता, घोड़ा, मवेशी। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुत्ता। केंद्रीय सशस्त्र
पुलिस बल जैसे कि BSF, CRPF और CISF पुलिस कार्यों के लिए भारतीय कुत्तों की नस्लों को भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं। रामपुर हाउंड जैसी नस्लों के लिए परीक्षण पहले से ही चल रहे हैं। रामपुर हाउंड हिमाचली शेफर्ड गद्दी बकरवाल और तिब्बती मास्टिफ्स सहित इन भारतीय कुत्तों की नस्लों को जल्द ही विभिन्न पुलिस कर्तव्यों में तैनात किए जाने की उम्मीद है। इन कार्यों में संदिग्धों का पता लगाना, नशीले पदार्थों और विस्फोटकों का पता लगाना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में गश्त करना शामिल हो सकता है। आगे देख लेते हैं, भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का, मूंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका चावल हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। प्रमुख खरीफ फसल चावल के अंतर्गत आने वाला रकबा पिछले वर्ष के अंतिम अनुमान से लगभग 2 लाख हेक्टेयर अधिक और औसत चावल रकबे से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर अधिक होने का अनुमान है। औसत खरीफ फसल खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में इसका उत्पादन भी लगभग 1 लाख टन अधिक होने का अनुमान है। आगे देखते हैं, ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर प्रणाली किस संस्थान से संबंधित है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारत का चुनाव आयोग या फिर भारतीय वायुसेना। तो ये आपका भारतीय रेलवे से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।